गुड आफ्टरनून देवांशी। काफी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है ये मोहम्मद सैनी का। दरअसल कहना है कि इन्होंने एक्चुअली किया क्या है, इन्होंने काफी सारे पिछले बुल रन को स्टडी किया है और उसके बेसिस पे ये निकालने की कोशिश की है कि क्या ये बुल रन अभी भी जारी रहेगा। तो इसका जवाब है कि हाँ, आगे भी बाजार में बुल रन जारी रहेगा, एटलीस्ट अगले 12 महीने तक बुल रन जारी रहेगा, ये मोहम्मद सैनी की रिपोर्ट कहती है। लेकिन जो तेजी है वो थोड़ी कम रहने वाली है, यानी कि बुल रन जारी रहेगा लेकिन थोड़े धीरे धीरे मार्केट ऊपर जाने वाला है। अभी ऐसा क्यों कर रहे हैं, लेकिन इनका कहना है कि पिछले 3 डेकेड्स में, करीब 30 साल में 6 बुल रन जो है वो इंडियन मार्केट में आ चुके हैं। अगर इन 6 बुल रन का आप औसत नंबर ऑफ वीक्स पकड़े तो ये बुलरन जो है कम से कम 72 वीक्स चलते हैं। अब तक का जो बुलरन आया है इस बार का, पिछले साल मार्च से अब तक का, इसमें करीब 64 वीक्स हो चुके हैं, यानी कि अभी भी काफी सारे हफ्ते जो है इस बुलरन के, कम से कम 8 हफ्ते जो है वो बाकी है। रिटर्न के लिहाज से अगर आप देखेंगे तो जो पिछले बुलरन आए हैं 6, उसमें करीब करीब 284% के आसपास का रिटर्न आया है, जबकि इस बुलरन में अब तक करीब 106% के आसपास का बुलरन आया है। नो डाउट इसमें आप 2003 से 2008 का जो बुलरन है उसको छोड़ दें, जहाँ पे 630% के आसपास का रिटर्न आया था, तो भी करीब करीब 178% का रिटर्न जो है पिछले 5 बुलरन में देखने मिला है। तो ये भी एक कारण है। इसके अलावा पिछले 5 बुलरन में अगर आप देखेंगे तो इमर्जिंग मार्केट्स को इंडियन मार्केट्स ने आउट परफॉर्म किया था। इस बार भी आउट परफॉर्मेंस है लेकिन पहले के मुकाबले कम। इसके पहले अगर आप देखेंगे तो 53% का आउट परफॉर्मेंस था, 52% का, अब जो है वो करीब 23% के आसपास का आउट परफॉर्मेंस है। और इनका कहना है कि आगे भी एमर्जिंग मार्केट के मुकाबले भारतीय मार्केट जो है उसका परफॉर्मेंस काफी बेहतर रहेगा। सिर्फ यही नहीं, एफपीआई फ्लोज भी आगे जारी रहेंगे। प्राइस टू बुक वैल्यू, ये भी एक पैरामीटर इन्होंने लिया है। पिछले बुल रन जब खत्म हुआ था तब प्राइस टू बुक वैल्यू 5.2 पे था, फिलहाल प्राइस टू बुक वैल्यू 3.6 पे है। तो काफी सारे पैरामीटर्स है जिनको इन्होंने जॉट डाउन किया और उसके बेसिस पे इनका कहना है कि अगले 12 महीने तक बुल रन जो है वो जारी रह सकता है। गति थोड़ी धीमे होने वाली है। जिन सेक्टर पे इनको भरोसा है उसमें कंज्यूमर, डिस्क्रिशनरी, इंडस्ट्रियल और फाइनेंशियल सेक्टर है जो कि अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। ओके, तो दो अहम बातें हैं कि बुल रन यहाँ से जारी रहेगा लेकिन जो रफ्तार है वो थोड़ी सी धीमी होती हुई दिखेगी। लेकिन 3 सेक्टर्स हैं जो उनको सबसे ज्यादा पसंद आते हुए दिख रहे हैं, इंडस्ट्रियल्स हैं, फाइनेंशियल्स है और कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, जहाँ पे हम अभी भी देख रहे हैं सबसे ज्यादा गेंस आते हुए दिख रहे हैं। और आज के ट्रेडिंग सेशन